तो गाइज मैं आई हूँ मोहल्ला क्लिनिक से, और उसके बाद फिर मैं काव्या को स्कूल से लेकर आई हूँ, और निकू को तो मम्मी लेकर आई है स्कूल से, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। और मोहल्ला क्लिनिक के लग गए मेरे 4 चक्कर, क्योंकि जो मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर, वो जो यहाँ पर मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवल किया गया, ऐसे खींच कर निकाला गया था, दूरबीन का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें मेरा दर्द उठ गया है फिर से 10 महीने बाद। क्यों दर्द उठ गया अचानक, इतने टाइम बाद अचानक दर्द क्यों हुआ फिर से? और ऑपरेशन के बाद तो सब ठीक था, लेकिन ये दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, जिससे मैं चल भी नहीं पा रही, खाना भी नहीं अच्छा लग रहा मुझे, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेकर आई, तो उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी थी और आज बुलाया था। तो लेकिन उस दवाई को खाने से मुझे 100 में से 10% भी रिलीफ नहीं हुआ, और बस इतना हुआ कि मैं चल पा रही थी। तो फिर मैं आज दवाई लेने गई दवाई, तो आज डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी दवाई नहीं दी, मुझे अल्ट्रासाउंड लिख दिया, और अल्ट्रासाउंड कराना है अब, तो वहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए डेट लेनी है, अल्ट्रासाउंड की डेट मिल जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मेरा फ्री में हो जाएगा। और बाहर से कराते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये का अल्ट्रासाउंड होगा। तो त्यौहार का टाइम वैसे ही है, वैसे मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि बाहर से ही करा लो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि 1,000 रुपये क्या खर्च करने, 1,000 रुपये में तो काव्या के और निकू के कपड़े आ जाएंगे, अभी बच्चों के कपड़े भी नहीं आए हैं दिवाली पर, और अगर मैंने 1,000 रुपये का अल्ट्रासाउंड करा लिया तो फिर खर्चे में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, फेस्टिवल भी है। हाँ ये है कि जब इतने दिन हो गए प्रॉब्लम होते होते, 8-10 दिन हो गए हैं, तो अगर मैं 1 दिन और इंतज़ार कर लूँगी, 2 दिन और इंतज़ार कर लूँगी, तो क्या क्या हो जाएगा? देखते क्या निकलता है अल्ट्रासाउंड में, माता रानी बस ठीक हो जाऊँ, कुछ ऐसी बड़ी दिक्कत ना निकले जो मुझे परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाए। और देखते हैं, अगर ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है तो फिर मैं सीधा एम्स जाऊँगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और अगर लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो फिर मोहल्ला क्लिनिक से ही दवाई मिल जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे टाँके के आसपास जो है पस पड़ गया है, मवाद हो गया है, इस वजह से दर्द हो रहा है। बाकी वो कह रहे हैं कि जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा क्लियर, तो तभी पता चलेगा, क्लैरिटी तो तभी होगी कि हो क्या रहा है दरअसल। तो देखते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के बाद क्या पता लगता है, क्या हो रहा है मुझे, क्यों दर्द हो रहा है, सारी आफत सब कुछ मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, पता नहीं भगवान सुकून कब मिलेगा। एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी आ जाती है, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। अभी तो हमने घर बनाया है अपना, हम कर्जा ही उतार रहे हैं, फिर ये परेशानी आ गई इतनी बड़ी, और फिर दर्द वगैरह, और घर का सब कुछ भी देखना पड़ता है मुझे, छोटे बच्चों के साथ परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं बस कैसे ठीक होगा ये पैसे बचाने के लिए मैं बीमारी को झेल रही हूँ, मतलब ये दुख झेल रही हूँ पैसे बचाने के लिए, इतने से पैसे बचाने के लिए। आप सोच सकते हो ये 1,000 रुपये मेरे लिए इस टाइम बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि 1,000 रुपये में तो मैं बहुत कुछ कर लूँगी दिवाली में। और ये है कि अल्ट्रासाउंड तो 2 दिन बाद भी कराना ही है, पहले भी कराना ही है, तो वहाँ से जब मोहल्ला क्लिनिक से फ्री में हो रहा है केजरीवाल की स्कीम के द्वारा, राशन कार्ड के थ्रू, वोटर आईडी कार्ड के थ्रू और आधार कार्ड के थ्रू, तो मैं करा ही लेती हूँ। और देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या निकलता है। वैसे अभी मैंने पता किया था 800 रुपये में भी हो रहा है अल्ट्रासाउंड, लेकिन 800 रुपये भी, 800 रुपये में तो दोनों के कपड़े आ जाएंगे गाइस, तो मैं अपने बच्चों के कपड़े लाऊंगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करा रही हूँ पैसों से, तो अल्ट्रासाउंड मैं मोहल्ला क्लिनिक से ही कराऊंगी। तो बस आप लोग दुआ करना मेरे लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा ना निकले जिससे मुझे, मैं एक तो इंटरनेट पर सर्च कर लेती हूँ, पता नहीं पैनक्रियाज वगैरह, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया मैंने, और डर लग रहा है मुझे, बस कुछ भी ना निकले। अब थ्रेडिंग कितनी अच्छी लग रही है, अभी गुड करवा चौथ पे नाइट थ्रेडिंग कराई थी, निक्कू सोने जा रहा है तो गुड नाइट बोल रहा है। एक काम करना पड़ेगा बेटा, गुड नाइट बोलने से पहले एक तो काव्या की दवाई दे दो, साइक्लोस्पोरिन वो दवाई डालनी है, और नीचे से ना मोटर बंद कर दो राजा, और ये सारी लाइट्स ऑफ करनी है, सारी लाइटें जली हुई हैं, तीन काम। पहले जाओ मोटर बंद करके आओ, क्योंकि जब तक मैं बात कर रही हूँ ना बेटा सबसे, जाओ और कुंडी देख लियो लगी हुई ठीक से, मोटर बंद कर दियो। और मैं चली गई थी लेने के लिए काव्या को, और ऊपर छत पे हम पानी का पाइप खुला रह गया और सारा पानी निकल गया, टंकी पूरी खाली हो गई, तो अभी जाके दोबारा मोटर चलाई है तो टंकी भर रही है दोबारा। एक औरत अपने घर में 2 पैसे बचाने के लिए क्या क्या करती है, क्या क्या एडजस्टमेंट करती है, ये सब चीज़ें शादी से पहले नहीं थी, लेकिन तब तो मैं खुला खर्चा करती थी, और अब ये लगता है कि नहीं ये पैसे बचा लूँगी तो इधर यूज़ हो जाएंगे, ये पैसे बचा लूँगी तो इधर यूज़ हो जाएंगे। तो बस यही है ज़िंदगी,
और इसीलिए ही आज हम अपने घर में बैठे हैं। इतना एडजस्ट करने की वजह से, हम लोग किराए पर रहते थे लेकिन इसी वजह से, मेरी इसी खूबी की वजह से हम लोग घर में बैठे हैं, क्योंकि मुझे बचत करने का बहुत शौक है। शौक क्या मतलब, जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाती हूँ कि मुझे ये करना है, फिर उस चीज़ के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, फिर मैं बचत करना शुरू कर देती हूँ। कुछ भी अगर आपको पाना है तो कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस सो रही है काव्या, निक्को भी सोने के लिए बोल रहा है, मैं भी थोड़ा देर सोना चाहती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये भी पता चल जाएगा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सेलिब्रेशन हो चुका है। निको और आज है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा एक दिन लेट हो गई है, कल होनी थी और वो आज हो रही है, और जो भाई दूज आज हो रहा था वो होगा कल। तो एक दिन लेट हो गया है सब कुछ, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रहण। तो हमारी चौकी लगी हुई है, चौकी जो होती है वो गोवर्धन पूजा के बाद जो अगला दिन होता है, जिस दिन भाई दूज होता है उसी दिन लगाई जाती है। तो चौकी हमारी कल लगाई जाएगी, तो अभी चौकी लगी हुई है, हम कर रहे हैं नीचे की सफाई, बहुत लेट हो गया। और आज इनके पापा चले गए हैं ऑफिस, और घर की डेकोरेशन जो आपको नहीं दिखाई दिवाली पर, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए नहीं दिखाई घर की डेकोरेशन, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास जो मैंने बनाए थे दिवाली पर, उसमें दिखाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं लुक तो वही का वही है जो दिवाली पर था, बिल्कुल वैसा ही। और ये देख सकते हैं, और हमारे घर की बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है, बहुत अच्छा लग रहा था हमारे घर, और नजर ना लगे घर को। ये क्या कर दिया, मैं पानी ले रहा था तभी ये टैप पूरा खुल गया, ये टैप किसी ने खोल के रखा था। तुम पानी ले मत, जग में से मैं दूंगी अपने आप पानी। पानी का टैप खराब कर दिया इन्होंने, तो खुल जाता है। तो हमारे घर की बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है और बहुत अच्छा लग रहा था हमारा घर। और अब तो मैंने हटा दिया कुशंस वगैरह जो मैंने लगाए थे, तो वो मैंने इसलिए हटा दिया कि जब भी कोई गेस्ट आएंगे तभी हम वो कुशंस वगैरह लगाए करेंगे। और ये मिरर है जो मेरे हस्बैंड ने लगाया, कैसा लग रहा है बताओ आप, मिरर अच्छा लग रहा है ना, इसकी डेकोरेशन की है मैंने, तो ये भी सुंदर लग रहा है बहुत। अभी ये माला वगैरह मैं हटा दूंगी और पैक करके रख दूंगी, कल कल हम इसको हटा देंगे, अभी अच्छा लग रहा है। और कल काव्या का बर्थडे है ना, परसों परसों काव्या का है बर्थडे, हाँ फ्राइडे को है, आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे को है तेरा बर्थडे।
उस दिन सैटरडे को बना था क्योंकि उस दिन सैटरडे को आया था, आज फ्राइडे को आएगा तो फ्राइडे को बनेगा। तो काव्या का बर्थडे है परसों, तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम पता नहीं क्या करेंगे, वो तो देखेंगे जब आएगा बर्थडे तब पता चलेगा, परसों की, परसों देखी जाएगी कि बर्थडे पे हम बाहर जाएंगे या फिर घर में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और घर मेरा कैसा लग रहा है बताना ज़रूर आप। और पूरी डेकोरेशन सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कुछ वीडियोज़ है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ऐड ऑन करके मैं आपको दिखा दूंगी कुछ कुछ वीडियोज़, और अच्छे लगेंगे आपको, आई होप आपको पसंद आएंगे। और अब कर रहे हैं घर की सफाई, और गोबर आ गया है, बड़ी मुश्किल से मिला है गोबर। और ये रखी मेरी गोबर की पन्नी, और गोबर्धन बाबा जो बनाने हैं वो बनाएंगे हम आज, आज होगी गोबर्धन की पूजा। तो गाइस मैं लगा लेती हूँ पोछा क्योंकि पड़ा है बहुत सारा काम घर में करने के लिए। सफाई ऊपर की हो गई है और नीचे की करनी है, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने को बनाना है कि क्या बनेगा। तो देखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।